आज मैं आपको भटूरे की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने जो रेसिपी अपलोड की थी वो छोले की थी, तो छोले के साथ जो भटूरे खाए जाते हैं, तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे जो भटूरे बनाए जाते हैं वो कई तरह से बनाए जाते हैं। आज हम जो भटूरे बनाने जा रहे हैं वो इंस्टेंट भटूरा है, जिसको जो कि फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा ले लिया है, 500 ग्राम मैदा, और हमें चाहिए 100 ग्राम सूजी। अब सूजी और मैदे का जो हमें रेशो रखना है वो इतना रखना है कि अगर हम 1 कप सूजी ले रहे हैं तो 5 कप मैदा लेंगे। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा और 100 ग्राम सूजी ले ली है। दही चाहिए हमें 200 ग्राम। दही को अच्छे से फेंट ले, इसमें कोई लम्स ना रहे। बेकिंग सोडा चाहिए 1/2 टीस्पून। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। और हमें ऑयल चाहिए 4 से 5 टेबल स्पून। और यहाँ पे इसे गूंदने के लिए मैंने गुनगुना पानी ले लिया है। तो ये देखिए, हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग थोड़े से मीठे भटूरे खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका दही बहुत ज्यादा खट्टा है तो थोड़ी सी पीसी हुई चीनी भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो इसका डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इस बाउल में हम मैदा डाल देंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे सूजी। सॉल्ट डाल देंगे, बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे आप जो भटूरे बना रहे हो तो उसमें आप सफेद तिल भी ऐड कर सकते हैं या तो फिर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सब डाल दिया है। अब हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और इसे अपने हाथों से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम जब आटा लगाते हैं तो पानी की जरूरत बहुत कम होती है, क्योंकि दही अपना पानी रिलीज करता है। तो उस हिसाब से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर जैसी जरूरत पड़ती जाएगी वैसा वैसा ही इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो गुनगुना पानी लिया है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। पानी हमें पूरा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और आटा लगाते जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे जैसे इसमें पानी की जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे मैंने यहाँ पे पानी डाल के इसका अच्छे से डो लगा लिया है। तो ये देखिए, डो हमें जब लगाएंगे तो इतना ऐसा चाहिए कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो। तो इसे अच्छे से चलाते हुए सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा पंच नहीं लगाने हैं, बस इसे हल्का सा गूंद लेंगे। इस तरह से इसे फैला देना है और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे यहाँ पे। ऑयल लगाने के बाद अब हमें इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देना है। आधे घंटे के लिए वेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, आप इससे ज्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आटा है अच्छे से। तो अब हम एक छोटी सी लोई ले लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने लोई बना ली है। अब एक लोई ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, अपने हाथों पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इसको इस तरह से हल्के से प्रेस करते जाएंगे ताकि इसे बेलने में आसानी हो। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये बनाने के बाद अब यहाँ पे ऑयल लगा लेंगे इस पर और इसको हल्का सा बेलते जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कैसे शेप में बनाना है ये आप पे डिपेंड है, तो आप राउंड या फिर ओवल शेप में इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवल शेप बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस शेप में इसे बना लिया है। जब तक ये हो रहा था तेल मैंने पहले ही गर्म के लिए रख दिया था। इसी तरह से हम अपने बाकी के भटूरे भी बना लेंगे और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे हम इसे गर्म तेल में डाल देंगे, गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है दोनों साइड। जब ये फूलता जाएगा इस तरह से हमें इसे प्रेस करते जाना है ताकि ये अच्छे से फूलता जाए। ये देखिए, काफी अच्छे से फूल रहा है। ये देखिए, भटूरा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर या किचन नैपकिन पे निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और इसी तरह से हम अपने बाकी के भटूरे भी बना लेंगे। ये देखिए, भटूरे बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए